बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। आयोग ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से दी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को करने जा रहा है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आयोग ने पहले ही जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड के लिए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने आवश्यक सूचना अपनी वेबसाइट पर जारी की है। बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पटना में 83 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 8 मई को है। इसकी तैयारी के लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने शुक्रवार को समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे। कदाचार में लिप्त या फिर प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 8 मई को एक पाली में 12 बजे से 2 बजे तक होगी। पटना में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 55,710 है। जिले में यह परीक्षा 83 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पहले यानी 11 बजे से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने के बाद परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उनकी पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय आवेदन में अंकित तथ्यों की विधिवत जांच व सत्यापन के बाद किया जा सकेगा। वहीं उम्मीदवार परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिए गए तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा या इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है वहां मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर जैसी चीजें ले जाना बिल्कुल मना है। अगर ये चीजें परीक्षा कक्ष में पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को इस परीक्षा में साधारण कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति है। वहीं ओएमआर आंसर शीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह, रेखांकन, अंकन करना वर्जित है। प्रवेश पत्र पर दिए गए आवश्यक निर्देश एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें। ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज व रोल नंबर निश्चित रूप से अंकित करते हुए गोलों को सही ढंग से भरें, अन्यथा इसकी जांच नहीं की जाएगी।